हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब फर्स्ट क्लास होंगे। आज हम निकल रहे हैं उस मार्केट में जो मस्कट का सबसे पुराना मार्केट है, ये कहिए ओमान का सबसे पुराना मार्केट है, और वो है मतरा सूक। वो यूरोपियन से या हर टूरिज़म की उसका सबसे फर्स्ट चॉइस में रहता है जब टूरिस्ट आते हैं मस्कट। मगर दो साल से अभी सब कुछ थोड़ा डाउन है, मगर होप सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। चलिए चलते हैं वहाँ पर। अब हम लोग मतरा की तरफ पहुँच रहे हैं। ये मतरा गेट है और ये यहाँ का सबसे पुराना एरिया है। इवन यहाँ का जो किंग पैलेस है वो भी यही है। तो कभी मौका लगेगा मैं आपको किंग पैलेस भी दिखाऊंगी। ये ओल्ड एरिया है और इधर हम जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पे सुल्तान काबूस पोर्ट है। पहले यहाँ से ही बिजनेस हुआ करता था, मगर अब वो सब बिजनेस डाइवर्ट हो गया है सोहार सिटी में, जो मस्कट से अप्रॉक्स 225 किलोमीटर्स है। तो अभी हम लोग यही जा रहे हैं। ये जो ब्राउन एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरा ब्राउन एरिया ये वरांडा कहलाता है। तो जो टूरिस्ट आते हैं ना, उनको ये एरिया बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ कल्चर है और हेरिटेज उनको यहाँ दिखता है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है ये दोनों साइड। तो आगे अब हम जा रहे हैं, ये देखिए बैत अल वरांडा लिखा हुआ है ना, तो ये पूरा एरिया ओल्ड है, ओल्ड एरिया। और ये सामने आ गया पोर्ट, और अब ये फंक्शनल नहीं है मगर टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करता है, क्रूज बहुत आते हैं। और मस्कट में अगर आप देखें तो नवंबर से लेकर जो फेब और मिड मार्च तक का जो मंथ्स हैं वो बहुत टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत अच्छा हो जाता है। तो हवा हम आ गए हैं मथुरा में और मथुरा सूक अब आने ही वाला है। पार्किंग के लिए हमें जो मथुरा सूक है वहाँ की पार्किंग के लिए हमें काफ़ी लंबा लेना पड़ता है रास्ता, क्योंकि वहाँ पार्किंग मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो अभी हम राउंड अबाउट, जैसे अपने मेरठ में बोलते हैं ना चौराहा, तो यहाँ पे राउंड अबाउट, तो वहाँ से टर्न लेके फिर उसी एरिया में आएंगे और गाड़ी पार्क करेंगे। अब हम मेन एंट्रेंस पर आ गए हैं ओमान की इस मथुरा सूक में। ये यहाँ का सबसे ओल्ड मार्केट है। यहाँ पे आपको लोकल आइटम्स बहुत मिलेंगे। वैसे एंट्री आपकी यहाँ पे बहुत सारी हैं, मगर ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम अंदर जाएंगे। ये सूक के अंदर पतली पतली गलियाँ हैं जिसमें मैं भी अंदर एंटर हुई थी, और यहाँ इनके प्रोडक्ट्स देखे। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर टर्किश लैंप हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस शॉप में जा रहे हैं वो याद रखना है, क्योंकि बहुत ही पतली पतली गलियाँ हैं यहाँ पर, अच्छा बना हुआ है। हाय, गुड मॉर्निंग। अभी मैं आपको राशिद भाई से मिलाती हूँ जो यहाँ पर इंडिया से बिलोंग करते हैं, और उनकी ये शॉप है यहाँ पे। ये आप काम करते हैं राशिद भाई, और यहाँ पे काम करते हैं, इनके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बखूर हैं। बखूर ओमानी कल्चर में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये घर में जैसे हम लोग रूम फ्रेशनर डालते हैं, ये लोग ये डालते हैं। और अगर आपने ये सब देखा होगा अमेज़ॉन में अब ईज़िली मिलने लगा है। ये गल्फ़ का कल्चर है जो अब हर कंट्री इसको अडॉप्ट करने लगा है। ये रूम फ्रेशनर का काम करते हैं राशिद भाई। इसको कैसे यूज़ करेंगे आप मुझे बताएं। यूज़ करते हैं ये सब मजमर है ना, ये मजमर बोलते हैं इसको, मजमर, हाँ अरबी मजमर बोलते हैं। ये इसमें चारकोल लगाने का, इस वाले चारकोल आता है राउंड में, बाद में इसमें ये इंसेंस है, डिफरेंट डिफरेंट है, स्मेल इंसेंस आते हैं। ये ऊद बोलते हैं इसको, ऊद बर्द ऐसा बोलते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, बाद में इसमें ये जलाने का, बाद में इसको ऊपर ऐसा लगाने का, बस एक दो पीस ऐसा डाल के इसको फ्रेश, डिफरेंट डिफरेंट स्मेल आते हैं, खुशबू का स्मेल आता है। ये ट्रेडिशनल टाइप है, ओमान ट्रेडिशनल है। ये ओमान ट्रेडिशनल है, और ये आप देखिए, ये इन्होंने इसमें चारकोल के अंदर रख कर ये बखूर को रखा है, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही, बहुत ही बढ़िया।
थैंक यू सो मच राशिद भाई, थैंक यू सो मच। हम लोग अब मथुरा मार्केट के ठीक सेंटर में आ गए हैं और आप ऊपर देखिए पूरा लकड़ी का काम है और ये पूरा पूरा ये बिल्कुल सेंटर है और इसको अगर हम बोलेंगे तो ये चार रास्ता भी है, ये चौपला भी है, ये चौराहा भी है और काफ़ी रास्ते हैं, अलग अलग एंट्रेंस है। पूरा इधर सिल्वर का काम होता है आपका, यहाँ पे कश्मीर के बहुत सामान मिल जाएंगे, पूरा इधर सब कुछ है, यहाँ का ट्रेडिशनल कैप भी यहाँ मिलती हैं और जो अब आप चीज़ें अमेज़ॉन में देखने लगे हैं ना वो सब चीज़ें गल्फ से इंस्पायर होके अमेज़ॉन में आई हैं, जो हम लोग रूम फ्रेशनर जो मैंने आपको पहले वीडियो में भी पहली क्लिप में भी बताया है। और अब धीरे धीरे टूरिज़्म यहाँ पर आता जा रहा है और यूरोपियंस का आना धीरे धीरे शुरू हो गया है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब हम इस शॉप में आए हैं, ये सिल्वर की शॉप है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम सिल्वर का मिलेगा सब कुछ। और आप देखिए इतने सुंदर सुंदर प्रोडक्ट्स हैं, ये देखिए ये सब, बस इसको घिसो और जिन बाहर निकल आएगा। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर हैं और ये देखिए इसको भैया आप बताएंगे क्या बोलते हैं इन सब को? हाँ क्या बोलते हैं? पपीपर, इन्हें हम पपीपर बोलते हैं। ये प्लेट्स देखिए और रिंग्स बहुत सुंदर सुंदर और ये सब सिल्वर की हैं, ये सब सिल्वर प्रोडक्ट्स हैं। ओके ये सब सिल्वर प्रोडक्ट्स हैं। और ऊपर देखिए ये यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है खंजर, सबसे ज़्यादा पहचान यही रखता है सल्तनत ऑफ ओमान की। अब हमारे पति देव यहाँ के जो ओनर हैं शॉप के, जिन्होंने हमें अलाउ किया यहाँ का वीडियो क्लिप लेने के लिए, उनको मैं थैंक यू बोलती हूँ। इनसे अब रणदीप बात करेंगे। ये इसको भी 12 साल हो गया। अच्छा। मेरा खुद का ये हैंडीक्राफ्ट में, एंटिक में और सिल्वर का काम में। अच्छा। जो इसमें खंजर और ज्वेलरी भी शामिल होते हैं। हाँ जी। तकरीबन 42 साल होता है। अच्छा यही काम है, यही काम पहले है। हमारा शॉप जो था वो गोल्ड मार्केट में था। हाँ जी। अभी 11 साल से हम इधर आ गया है। अच्छा वेरी गुड। और आप में सिल्वर की आइटम्स रखते हैं और बाकी क्या क्या प्रोडक्ट रखते हैं यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर के साथ साथ जो मसलन मुनासिब आइटम हैं जो ओल्ड वाले हैं, कदीम हैं। हाँ जी। कदीम आइटम में मसलन कॉपर के सामान हैं। हाँ जी। और स्टोन के सामान हैं। हाँ। ब्रास के हैं। हाँ जी। लकड़ी के भी हैं। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगी आप हिंदी बहुत अच्छी बोल रहे हैं सर। देखो हम जो है अभी इधर बाजार मथुरा बाजार में होता है। हाँ जी। तो इसमें ज़्यादातर काम करने वाले और हमारे जो सेल्समैन हैं। हाँ जी। ये सब हिंदी हैं और बांग्लादेश के हैं। हाँ तो मजबूरन हमको ये बात सही मालूम है। नहीं आप मजबूरन नहीं बोलिए, ये बहुत अच्छी बात है और हम भी चाहते हैं कि हम अरेबिक सीखें ताकि हम भी अरेबिक में आपसे बात कर सकें, क्योंकि ओमान हमारा दूसरा घर है। तो डेफिनेटली हम चाहेंगे और हम चाहेंगे इंशाल्लाह कि आपका ये बहुत तरक्की करे आपका बिजनेस, जैसे आप चाह यहाँ पे सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, काफ़ी आइटम्स आप रख रहे हैं और आप बिजनेस में प्रोग्रेस करें और न्यू आइटम्स लेके आएं। और थैंक यू वेरी मच सर। हम खुश होता है कि आप अरबी में भी बात करता था तो मैं आपको अच्छा नमूना उसमें बात और मुनासिब जवाब भी अच्छा तरीका देता था। हाँ जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमको मालूम था याद था आपको बोल दिया। नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। शुक्रिया आपके, शुक्रिया का भी शुक्रिया जो आपने जो मसल हमारे बाजार का और हमारे ये दुकान का और हमारे सामानों का आप
आगे भी इसका शो करते हैं। हाँ जी सर, हम लोग यही ट्राई करेंगे कि जितना ओमान को सब लोग जाने, क्योंकि मैक्सिमम लोग दुबई को जानते हैं, ओमान हम चाहते हैं कि ओमान का मार्केट, ओमान को सब पहचाने, जाने कि ये मस्कट भी एक शहर है जो अपने कल्चर को नहीं भूला है, और इसने मैनमेड आइटम्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जितना ये अपनी नेचुरल चीज़ों को इम्पोर्टेंस देता है। मैं इसमें आपका भी शुक्र करता हूँ और बहुत खुशी है आपका इधर आने का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इस शॉप पर प्रिंस हैरी भी आए हुए हैं और जॉन कैरी जो US के पॉलिटिशियन थे वो भी आए हुए हैं। इस शॉप का नाम है अलाउद्दीन सिटी और ये बिल्कुल सेंटर में है और आप यहाँ पे काफ़ी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं और ज़रूर आइए, एक बार तो ज़रूर ही आइए और आप इसको डेफिनेटली पसंद करेंगे। और ये देखिए कितने सुंदर स्टोन्स हैं जो ओमान के सी से निकले हैं और ये सब नेचुरल हैं, सब नेचुरल हैं। और इन सर ने बताया कि ये मैक्सिमम ओमानी यूज़ करते हैं और इवन ये वाला भी ओमानीज यूज़ करते हैं। ब्रदर सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम, कैफ अल एग्जान अब्दुल्ला, अल्हम्दुलिल्लाह निशकर अल्लाह। ओके, दिस ऑल आर इन ओमान? नो, यस, दिस ऑल फ्रॉम ओमान। ये सब मतलब ओमान का है ना, ये इसको बोलते हैं अर्गेट स्टोन, अरबी से अकीक बोलते हैं इसको। अच्छा, ये ओमानी रिंग का अंदर, ओमानी पुराने सामान का अंदर बहुत यूज़ होता है ये चीज़। okay. और ये जो साथ है ये ओमान का एब्री का साथ निकलता है बाहरा में, उसका अच्छा। पहाड़ में निकलता है। हाँ, इसको जैसा फायरूज बोलते हैं, अंबर बोलते हैं, फायरूज इसको बोलते हैं, इसको अंबर बोलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन का ज्वेलर के अंदर ये यूज़ होता है, मेन ज्वेलर के अंदर अर्गेट। अरबी से इसका नाम अकीक है, अकीक अरबी से। इसके एक कलर नहीं है, इसका बहुत कलर आता है, ये सफ़ेद। हाँ जी, बहुत इसका कलर मिक्स आता है। ओके, और भाई मुझे आप ये बताएंगे ये स्टोन की, अगर ये मैं पूरा स्टोन लेती हूँ तो इसकी कीमत कितनी होगी? ये तकरीबन वजन के ऊपर है, ये सब इसका तकरीबन वेट इसका लिखा है भी, तकरीबन ये आएगा 20 रियाल, 25 रियाल, 30 रियाल तक आएगा। ओके, इसका वजन के हिसाब से होता है, जितना वजन ज्यादा होगा उतना भी रेट ज्यादा होता है। थैंक यू दादा, थैंक यू, शुक्रान आपका। ये यहाँ की गलियाँ हैं, पूरे सिल्वर शॉप, आपको मैक्सिमम यहाँ पे ना सिल्वर ही दिखेगा पूरा मार्केट। इस वक्त लोग दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारे प्यारे आइटम्स हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर, और लोग यहाँ आते हैं एज अ सोवेनियर लेके जाते हैं। मैंने इस शॉप से बहुत शॉपिंग करी है, स्टार्टिंग में जब मैं आई थी बहुत शॉपिंग करी है। ये देखिए, जैसे इंडिया में राजस्थान के डोर्स होते हैं ना, ऐसे यहाँ पे भी डोर्स हैं, मगर ये कैमल बोन के बने हैं और इन साहब ने प्राइस बताया 120 रियाल। तो 1 रियाल आप 195 का है और 120 को 195 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बहुत सुंदर शॉप है ये। यहाँ का दूसरा राउंड अबाउट आ गया, यानी चौराहा चोपला चार रास्ता आ गया। कितना सुंदर बना हुआ है, इतना कलरफुल है, देख के मज़ा आ जाता है। और अंदर ही अंदर बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारी, आपको सब कंट्री के आइटम्स यहाँ मिल जाएंगे। चप्पलें, ये वाली चप्पल जो देख रहे हैं ये मोस्टली पाकिस्तान से हैं और बहुत ही सुंदर है। हम इस दुकान में आए हैं और ये हमारे गुजराती भाई की शॉप है और बहुत फेमस शॉप है, क्योंकि हम ढूंढते ढूंढते आए हैं और हमने सिर्फ ये बोला किशोर भाई की शॉप कहाँ है, तो सब ने हमें बताया आगे जाओ पीछे जाओ, मतलब बता दिया, सब ने रास्ता बता दिया। और वाव कलेक्शन है, मतलब जो मुझे एवरी ईयर टेंशन होती है कि करवा चौथ पे बिछुए कहाँ से लूँ, दिवाली पे सिक्के कहाँ से लूँ कॉइन्स पूजा में रखने के लिए, तो बहुत अच्छा कलेक्शन है, आप ज़रूर आएँ और यहाँ से लीजिए। यहाँ पे सारे ठाकुर जी मिल जाएंगे, चरण पादुकाएं मिल जाएंगी,
बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है और चूड़ियाँ भी मिल जाएंगी, तो जिसकी जैसी चॉइस हो आपको यहाँ पे 100% मिलेगा। और हमने भी शॉपिंग करी है और ये देखिए सब कुछ है यहाँ पर, दिवाली से रिलेटेड सब आ गया है, दिया आ गए हैं और बहुत सुंदर सुंदर दियाज हैं और एक छोटा सा दिया भी है यहाँ पर। और मुझे सबसे प्यारा ये बहुत क्यूट से हल्दी कुमकुम के लिए देखिए बहुत ही प्यारे हैं, कॉइन्स भी आ गए हैं, बिछुए भी मैंने देखे, और यहाँ पर रिंग्स कान के गिफ्ट के देने के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर हैं, और कड़े देखिए सिल्वर के कड़े, मतलब कंप्लीट इंडियन कलेक्शन सब मिलेगा। ये देखिए ये कितना प्यारा सा, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर, टर्टल के ऊपर दिया, गिफ्ट देने के लिए भी बहुत ही सुंदर है, मतलब कलेक्शन वाव है, बहुत ही बढ़िया लगा। अब भाई आप कहाँ से हैं? गुजरात जामनगर से। गुजरात जामनगर से, ओके ओके। और कितने सालों से हैं? मेरे को हो गया 22 साल और किशोर भाई को हो गया 35 साल। किशोर भाई की शॉप है। हाँ, किशोर भाई आ गए हैं, किशोर भाई भी आ गए हैं। किशोर भाई आपकी शॉप में बहुत अच्छा लगा, और आप किशोर भाई आप आजुआ भी जाओ, आप पास आ जाइए और बताइए कब से है आपकी ये शॉप? ये 89 से है, 89 मतलब 32 साल हो गया। ओके। और यहाँ पे पूरा सिल्वर आइटम बहुत अच्छा कलेक्शन है, सब 9 to 5 में है, पूरा 9 to 5 में मिलेगा, पूरा आइटम मिल जाएगा, पूरा आइटम सिल्वर से रिलेटेड जो भी हमारा रिटेल और होलसेल दोनों है। चांदी की थालियों का भी बहुत सारा कलेक्शन है, मतलब मजा आ गया देखकर। मैंने पूरा ट्राई किया है आपको मथुरा मार्केट दिखाने का, और होप आपको मेरा ये ब्लॉगिंग पसंद आएगी। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए।